इल्जाम लगाया था ताकि जितने भी फिरोज खान जो एलिगेशन किए थे, टॉर्चर किए थे, मारने की धमकियां दे रही थी गोली पे पिस्तौल पे, वो एप्लीकेशन थाने में जमा कभी नहीं हुई, कोई एप्लीकेशन एफ आई आर के लिए जमा ही नहीं हुई, तो आपने कोर्ट में प्रेजेंट कैसे की? तो फिर उनका वकील साहब कितना ड्राफ्ट था, दुनिया में आज तक कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट जमा नहीं होता, साइंड डॉक्यूमेंट जमा होता है। जो मैडम अलीजे ने पी एस दरक्षा में एप्लीकेशन कोर्ट में जमा कर दी ताकि मैंने एप्लीकेशन दी थी, ना वो साइंड थी अलीजे मैडम से, ना डेट थी, ना रिसीविंग थी, ना कुछ चीज़ था, कोर्ट को मिसगाइड किया था। अब कोर्ट को जो मतलब कोर्ट को मिसगाइड करे तो पब्लिक को, सेलिब्रिटीज को, पब्लिक एट लार्ज को नहीं कर सकता मिसगाइड। जमा करा ड्राफ्ट जो बगैर साइन डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश हुआ हुआ है, कोर्ट को मिसगाइड किया गया है, तो इस पर हम कानूनी कार्रवाई करने का अख्तियार रखते हैं, मगर हम नहीं करेंगे, हम इस तरह से नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल शी इज अ मदर ऑफ द माइनर्स, हम तो रेस्पेक्ट करें, हम तो चाहते हैं मसले हल हो। अगर ये सारी चीज़ें लीक हो रही हैं सोशल मीडिया पे, डिस्टर्बेंस हो रही है, हम प्राइवेसी नोटिस दे रहे हैं थ्रू चैनल्स के सब दोस्तों को, भाई प्राइवेसी मेंटेन किया जाए। अभी सच अभी आए नहीं तो सच पे जजमेंट कैसे हो सकता है आपकी तरफ से? तो रियाजा गुजारिश ये सारे सेलिब्रिटीज को, फैंस को, पब्लिक को, मैडम उषना तो बड़ा अच्छा कमेंट किया था जब ए आर वाई का चैनल का जो था सलमान साहब, उसने कहा आई स्टैंड विद सॉलिडिटी विद सलमान साहब, क्योंकि उनके कानून पे भरोसा था। तो मैडम उषना से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, यही कमेंट आप सॉलिडिटी विद जस्टिस फादर फिरोज खान होना चाहिए, जस्टिस किसके साथ होना चाहिए जो सच बोले। तो मैडम अलीजा थे और मैडम जो थे इकराजी, जितने भी एम एन सिस्टर्स हैं, ताकि उनको ये कहना चाहता हूँ सच का साथ हो, आप थोड़ा जजमेंट नहीं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ जजमेंट नहीं हमारे मुल्क में।